सलाम नमस्ते सत श्री अकाल की हालचाल क्या बोलती कभी चुर मचा दे वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों सम्मान के साथ आपका नए ब्लॉग में स्वागत है और आज हम आए हैं एनिमल क्लिनिक पे जहाँ पर हमारे जो पेट है पेशेंट डेड है उसके बालों को ट्रिम करवा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और बहुत ज़्यादा बाल बढ़ चुके हैं। तो हमारी जो एक केट है उसके तो बाल ट्रिम हो रहे हैं, दूसरी केट बास्केट में है और जल्दी से हेयर कट करवाते हैं फिर उसके बाद घर चले। अच्छा अच्छा मत कर पाऊँ अभी, अरे उससे बड़े भी करवाऊंगी। दोस्तों आज हम केट के क्लिनिक पे आए हैं और आज इनके बालों को ट्रिम करवा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है और बाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो आज इनकी ट्रिमिंग करवा लेते हैं। क्या हुआ? बहुत ज्यादा हैरी हो गए ना, पहले पकड़ ले भैया उधर से भी पकड़ना पड़ेगा तेरे बस में नहीं है। बड़ा वाला सीन है मन पकड़। तो दोस्तों कल मैं इंदौर से धार आ गया था क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इंदौर में था, वहाँ पर मेरी मीटिंग थी। कल शाम को मैं वहाँ से इंदौर से निकल गया था और तकरीबन दो घंटे में धार पहुँच गया था और अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है मेरी और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली थी मैंने फजर की और उसके बाद जल्दी से हम अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण भूख लग रही है और थोड़ा सा चाय पीने का भी दिल कर रहा है तो चाय पियेंगे, तो चलते हैं चाय। तो दोस्तों आज हम आए हैं बजाज फाइनेंस पे और दोस्त को लोन की ज़रूरत है तो उसके लोन के लिए हम आए हैं बजाज फाइनेंस पे। तो यहाँ करवाते हैं, यहाँ टर्म एंड कंडीशन समझते हैं क्या क्या है और फिर उसके बाद अप्रूवल करेंगे। तो दोस्तों अभी जस्ट घर आया हूँ मैं और नमाज़ पढ़ी है और फ्रेंड को लोन चाहिए था 1 लाख रुपये का, तो पर्सनल लोन उसे दिलवा दिया है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और गर्मी इतनी ख़तरनाक थी और जोहर का टाइम हो रहा 2 बजे तो आप जानते ही हैं कि कितनी ख़तरनाक गर्मी होती है बाहर। कहना था नहीं गर्मी थी ना, और आपने खाना खाया? दानियल ने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी अभी खाना नहीं खाया। चाय बनाई थी तो पी ली आपने? चाय भी नहीं पी? चाय पी ली? अच्छा अच्छा, तो दानियल ने भाई चाय पी ली है, खाना नहीं खाया, तो वो भी खाना खाएंगे और हम भी खाना खाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीषण भूख लग रही है, गर्मी भी बहुत भीषण है, अभी तो बहुत ही भीषण मामला चल रहा है। दोनों खाओगे? ठीक, तो दोस्तों चलते हैं खाना खाने। तो दोस्तों बीवी खाना ले आई हैं और ये हमारे थोड़े से पापड़ हैं और दानियल भी खा रही हैं। दानियल खाना नहीं खाती है, बस पापड़ खाती हैं जी। तो आप खाना खाओगी कि पापड़ खाओगी? पापड़। खाना नहीं खाओगी? ये आपकी पसंद है, ठीक है। फिंगर खाती हो? ये दिन भर दोस्तों है ना मोबाइल देखती रहती हैं और खाने में भी ज़्यादा ध्यान देती नहीं है, कार्टून और ये मोबाइल में ज़्यादा ध्यान रहता है उनका। क्यों आपका? चलो चलो जल्दी से। ये दानियल का खाना लग चुका आएगा। दानियल आपकी सब्जी है? ये दाल है? ये काय की दाल है बीवी? तो दोस्तों ये मूंग की दाल है छिलके वाली और ये मिर्ची है। मिर्ची तो मैं खाता नहीं हूँ, बीवी को बहुत पसंद है तो बीवी खाती है तो उन्होंने अपने लिए करी है। और ये हमारी मूंग की छिलके वाली दाल को जल्दी से बिस्मिल्लाह करते हैं। तो दोस्तों असर की नमाज़ मेरी हो चुकी है, जस्ट मैं अभी असर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ बीएड को सेट करवाने क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बीएड सेट नहीं है, तो बीएड को सेट करवाते हैं, चलते हैं और बीएड को अच्छे से सेट करवा के आते हैं। तो दोस्तों मैं बीएड सेट करवा के आ चुका हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी थोड़ा सा मौसम
ऐसा लग रहा है कि शाम का वक्त है, गर्मी कम हुई है, बाकी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, भयंकर गर्मी है। तो मैं दिल कर रहा है कि थोड़ा सा नहा लेते हैं, और बाल भी हो रहे हैं थोड़े से, तो जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं। तो दोस्तों अभी मगरिब का टाइम हो चुका है और मगरिब की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। थोड़ा सा चाय पीने का दिल हो रहा है तो बीवी बनाने गई मस्त है चाय, तो चाय पीते हैं। और ये आप क्या खा रही हो? क्या ये लॉलीपॉप है? ये आपको अच्छी लगती है लॉलीपॉप? चाय नहीं पियोगे आप? ये भी पता क्यों दानू ये जो है। तो फिर आप लॉलीपॉप खा रही, चाय कैसे पियोगे? ये भी पता है कि लॉलीपॉप कहाँ से लेके आते हैं लॉलीपॉप? वाटर पार्क में से। वाटर पार्क गई थी ना, बाजी ने इसको बुलाई थी, उसको याद है। अच्छा वाटर पार्क का अपन गए थे तो आपने लॉलीपॉप ली थी खक्का से, उसका कह रही हो? खक्का से फोप्पो। अच्छा, हाँ खक्का कहाँ थी, वहाँ फोप्पो थी, उन्होंने दिलाई थी। सोनू फोप्पो थी ना, तो मैंने चुप मांग के रखी। उन्होंने दिलाई थी आपको? तो दोस्तों दानियल तो लॉलीपॉप खा रही है, और हमारे जो कोसर भाई हैं, जो दूल्हे भाई हैं, वो दुबई में एंजॉय कर रहे हैं, और उनकी कुछ दुबई में जो उनकी वीडियो शेयर करता हूँ मैं आपके साथ ब्लॉग में, आप देखना। और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, वहाँ पर काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको उनकी कुछ वीडियो ब्लॉग में ऐड कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों कोसर भाई पहुँच चुके हैं बीच पर, और ये एक पोर्ट हैगा दुबई के अंदर। तो आज उनका प्लान है कि वो बोट राइडिंग करेंगे, तो आपको दिखाते हैं दुबई के नज़ारे। नहीं जा रहे, जा रहे हैं। कितने बंदे आएंगे? पांच। दोस्तों बोट रेडी हो चुकी है राइडिंग के लिए, और कौसर भाई फुल एंजॉय कर रहे हैं बोट में। और ये दुबई में जो पोर्ट है बहुत ही शानदार, बहुत ही आलीशान पोर्ट है, और पोर्ट भी काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। Thank you.
पौधे बिना काम चल रहा है। दोस्तों ये थी दुबई की एक राइड कौसर भाई की, और समुंदर में बिल्कुल एकदम एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं एंड, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए शब्बा खैर।